हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी सैलरी स्लिप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं तो आपको अपनी सैलरी स्लिप कैलकुलेट करना अच्छे से आना चाहिए। आप क्लर्क हो या पीओ, आपको पता होना चाहिए आपको सैलरी में कौन से कंपोनेंट मिलते हैं और आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि अगर कभी भी आपको गलत सैलरी स्लिप मिले तो आप उसको समझ सकें, जान सकें कि आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम सैलरी स्लिप को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, सैलरी स्लिप को कैलकुलेट करने से पहले हमें बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, क्लर्क का बेसिक डिफरेंट होता है और पीओ का बेसिक डिफरेंट होता है। सारा खेल बेसिक का है, जितना ज़्यादा बेसिक उतनी ज़्यादा सैलरी। तो क्लर्क का दोस्तों जो बेसिक होता है वो 19,900 से होता है, ठीक है। बेसिकली 17,900 होता है, लेकिन क्लर्क क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करता है तो उसे दो इंक्रीमेंट मिल जाते हैं और 19,900 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, आपकी सैलरी स्लिप का जो पहला कंपोनेंट है वो है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्लर्क की है 19,900। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो डीए है। दोस्तों, नवंबर मंथ में जो डीए मिलने वाला है वो है 30.38%। तो हमें करना क्या है, बेसिक यानी 19,900 को जब 30.38% निकालेंगे तो आएगा 645.62 रुपये। ये हमारा डीए कंपोनेंट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है एचआरए। एचआरओ दोस्तों मिलता है 10.25% ऑफ बेसिक पे, यानी जब आप 19,900 का 10.25% निकालेंगे तो आएगा 2039.75 रुपये। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है स्पेशल अलाउंस। दोस्तों, स्पेशल अलाउंस क्लर्क को मिलता है 16.40% ऑफ बेसिक पे, यानी आप 19,900 का जब 16.40% कैलकुलेट करेंगे तो 3263.60 रुपये आएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग बेसिक का जो जिसका डिफाइंड परसेंटेज है बस उसमें उस अपने को कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए स्पेशल अलाउंस 16.40% है तो आपको 19,900 का 16.40% निकालना है, आपका स्पेशल अलाउंस आ जाएगा। अब स्पेशल अलाउंस पे डीए भी मिलता है, यानी जो हमारा 3263.60 रुपये है उसका फिर से हमको 30.38% निकालना होगा, क्योंकि डीए इतना ही चल रहा है 30.38%, ठीक है। तो आप निकालेंगे तो आ जाएगा 991.48 रुपये। दोस्तों, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेसिक तो आपको आपको पता ही हो सकता है, मैंने चार्ट दिखा दिया वीडियो में, आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेसिक कैसे हर बार बढ़ेगा वो आप देख लेंगे। डीए आप बैंक से पूछ सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि करेंटली डीए कितना चल रहा है बैंकर्स का, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो आपका एचआरए है वो फिक्स्ड है, वो हमेशा 10.25% रहेगा क्लर्क के लिए चाहे कहीं भी पोस्टिंग हो ऑल ओवर इंडिया। और स्पेशल अलाउंस भी हमेशा सेम रहेगा 16.40% चाहे कहीं भी पोस्टिंग हो। इसके बाद दोस्तों मिलता है स्पेशल पे। स्पेशल पे अगर आप काउंटर क्लर्क हैं तो 1250 रुपये, अगर आप एज एन कैशियर काम कर रहे हैं तो 1940 रुपये, ठीक है। हम लोग मिनिमम वाला लेके चलते हैं 1250 रुपये। इसके बाद दोस्तों आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, जो कि 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट में ही पहली बार लाया गया है, वो है 600 रुपये। फिर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी डीए मिलता है। मैंने क्या कहा था, डीए कितना चल रहा है 30.38%, यानी जब आप 600 का 30.38% निकालेंगे तो आएगा 182.28 रुपये। अब हमें क्या करना है, इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर देना है। ऐड करने पे दोस्तों जो आपकी सैलरी है वो आएगी 34,272.73 रुपीज़। दोस्तों, लेकिन आरआरबीज में अभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिए जा रहे हैं और ना ही उस पर डीए मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे। तो आरआरबी में आपकी करीब 782 रुपये सैलरी कम आएगी और आएगी 33,490 रुपये। दोस्तों, आरआरबी के साथ काफ़ी गलत हो रहा है। रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे कुछ अलाउंसेस आरआरबी को रोक दिए गए हैं जो कि अभी तक आरआरबीज को नहीं मिले हैं। इसके बाद आप क्लर्क की सैलरी कैलकुलेट करना तो सीख गए हैं, अब सीखते हैं पीओ की सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है। दोस्तों, ये पीओ का आपके पास चार्ट है कि बेसिक कैसे होती है और कैसे कैसे सैलरी बढ़ती है। अगर नया पीओ है तो उसकी बेसिक सैलरी है 36,000 रुपये, ठीक है। अब अगला कंपोनेंट क्या है बेसिक के बाद, डीए। मैंने हमेशा बताया था डीए मिलता है, ठीक है। तो 36,000 का जब आप डीए कितना अभी चल रहा है करंटली 30.38%, यानी 36,000 का जब आप 30.38% निकालेंगे तो आएगा 10,936.80 रुपये। तो ये डीए हो गया। अब नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, एचआरए। तो एचआरए दोस्तों ऑफिसर को 3 मिलते हैं, जैसे क्लर्क के लिए 10.25% फिक्स्ड है, ऑफिसर के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। 7%, 8%, 9%। रूरल पोस्टिंग है 7%, और अच्छी जगह पोस्टिंग है सिटी में तो 8%, और मेट्रो सिटीज में पोस्टिंग है तो 9%। तो हम मिनिमम लेके चलते हैं 7%। दोस्तों, 7% अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो 2520 रुपये
आपका एचआरए होगा, यानी जब आप 36,000 का 7% निकालेंगे तो 2520 रुपये निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस होता है 16.40%, क्लर्क के लिए भी वही, ऑफिसर के लिए भी वही। तो आप जब बेसिक का 16.40% यानी 36,000 का 16.40% निकालेंगे तो निकलेगा 5,904 रुपये। इसके बाद आपको डीए मिलता है स्पेशल अलाउंस पे, तो जब आप 5,904 का फिर से 30.38% निकालेंगे तो आएगा 1793 रुपये 63 पैसा। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है आपको मिलता है सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, ठीक है। दोस्तों ये तीन लेवल पे मिलता है, 1400, 1150 और 700। 1400 मेट्रो सिटीज़ के लिए, 1150 उन जगह के लिए जहाँ की जनसंख्या आप जिस जगह पोस्टेड हैं उस जगह की जनसंख्या 5 लाख या उससे 5 लाख तक हो तो आपको 1150 मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा रूरल एरिया में आ जाएंगे तो 700 रुपये आपको फिक्स मिलना है। तो हम ये मान लेते हैं आपको 700 रुपये मिल रहा है। तो सिटी कंपनसेट्री अलाउंस हम लोग हर चीज़ मिनिमम लेके चल रहे हैं, सिटी कंपनसेट्री अलाउंस आपको मिला 700 रुपये। अब आपको एक और अलाउंस मिलता है ऑफिसर को, वो है लर्निंग अलाउंस, वो है 600 रुपये, ठीक है। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है क्लर्क को, यहाँ पे आपको लर्निंग अलाउंस मिलता है, तो 600 रुपये आपको लर्निंग अलाउंस मिल गया। अब क्या है, डीए ऑन लर्निंग अलाउंस भी मिलता है, जो कि फिर से हम 600 का 30.38% निकालेंगे, आएगा 182 रुपये 28 पैसे। तो जो ग्रॉस सैलरी ऑफिसर की बनती है वो है 58,636 रुपये और 71 पैसे। मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रामीण बैंक में रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे कुछ अलाउंसेस नहीं दिए जा रहे हैं, जैसे कि सीसीए और लर्निंग अलाउंस अभी तक ऑफिसर को नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि सीधा सीधा 1482 रुपये हर मंथ का नुकसान हो रहा है ऑफिसर को और 782 रुपये का हर मंथ नुकसान हो रहा है क्लर्क को। सिर्फ क्यों कि ग्रामीण बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, बैंक बड़ा करेंगे, उस चक्कर में ग्रामीण बैंक के बहुत सारे अलाउंसेस को रोका गया है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि कैसे आप अपनी सैलरी स्लिप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको भी अपनी सैलरी स्लिप ज़रूर कैलकुलेट करके देखनी चाहिए, इस फॉर्मूले से कहीं आपको गलत सैलरी तो नहीं मिल रही है, तो आप ज़रूर कैलकुलेट करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।